इतना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई केचिताम मंदिर के आगे से, वापस घर नहीं पहुँच पा रहे हैं अभी तक, रात हो गई 6 बजने वाले हैं। ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, इट्स योर रूस। जैसा कि आज है सैटरडे का दिन, तो सैटरडे के दिन नैनीताल में क्या क्या भीड़ हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है, सारी चीज़ें आप लोग को आज के इस वीडियो में देखूंगा। जैसा कि आप लोग ने दिन में मेरी वीडियो देख ली होगी जिसमें मैं गया था वो फ्रोजन लेक दिखाने के लिए आप लोग को, तो आप लोग उस वीडियो पर सपोर्ट दिखा गया। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाली है, इसकी वजह से मैं आप लोग के दिन में दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ। भाई आप लोग देख रहे हो मेरी वो देख रहे हो, आप समझ रहे हो मेरा स्ट्रगल, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, 10,000 सब्सक्राइबर हमारे बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाले हैं। एंड अगर स्नोफॉल की बात करें तो भाई स्नोफॉल जब भी होगी सबसे पहली वीडियो आप लोग हमारे चैनल पर मिलेगी, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वक्त मैं आया हूँ केचिधाम, एंड केचिधाम के रास्ते में कैसा भीड़ हो रहा है कैसा नहीं हो रहा था वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड इस वक्त अभी जब नैनीताल जाऊँगा, नैनीताल में आप लोगों को भीड़ देखूंगा कि सैटरडे के दिन न्यू ईयर से पहले कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, सारी चीज़ आप लोगों को वीडियो में मिल जाएंगी। तो इस समय पहुंचूंगा केचिधाम ही, तो यहीं से आप लोगों को सारी चीज़ दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई, सिर्फ 80-90 सब्सक्राइबर्स बचे हैं, तो बिना देरी करें लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। इसी के लिए भी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, सैटरडे का दिन है और इतना ज़्यादा और ट्रैफिक है भाई, देख पा रहे हो कि अभी हम केचिधाम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर से, तो भाई लेकिन ट्रैफिक इतना भयानक हो रहा है भाई। एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी, जब से यहाँ पर विराट कोहली जी आए हैं तब से यहाँ का टूरिज़्म नेक्स्ट लेवल हो चुका है भाई, इतना पहले नहीं होता था। हम लोग यहाँ से आराम से निकल जाया करते थे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिज़्म कब से बढ़ा जब से विराट कोहली आए? जब से मतलब इतना पहले यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते थे, जब से यहाँ पे विराट कोहली जी आए हैं और अभी बीच में जो है 3-4 दिन पर मतलब हफ्ते जो है वो महीना भर मान के चलेगा, तो यहाँ पे धोनी जी आए थे और भाई भाई थे। तो सबसे ही ज़्यादा यहाँ पे जो है बहुत लोग बार आने लगे, काफ़ी दूर दूर से लोग बार यहाँ पे आने के लिए बेचैन है आजकल। और यहाँ पे देखिए जैसे सैटरडे आए ना तो कितना ट्रैफिक सामने देखिएगा, देख पा रहे हो कि मैं तो वही दिखा रहा था, इतना ज़्यादा भयानक ट्रैफिक हो चुका है भाई जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतना ज़्यादा भीड़ तो मैंने कभी देखी नहीं। सो भाई फाइनली पहुँच चुके हम लोग केचिधाम, एंड यहाँ पर देख पा रहे होगे आप लोग, और यहाँ से ट्रैफिक केचिधाम का मेन गेट ये वाला है जो आपको दिख रहा होगा, एंड यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है यहाँ पे आसपास, वहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप लोग। सो भाई ये हाल है टूरिज़्म का नैनीताल में सैटरडे के दिन में, एंड जितने लोग आप लोग देख पा रहे होंगे तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आप केचिधाम आने का विज़िट करने का सोच रहे थे तो सैटरडे में या दिसंबर के टाइम पे ये हाल है भाई, आगे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। मैं तो कह रहा हूँ वीकेंड के दिन थोड़ा अवॉइड करना, यहाँ पर देख सकते हो गेट है। तो अभी जा रहे हैं यहाँ से अंदर को, तो यहाँ पर देख सकते हो भीड़ भाई सैटरडे के दिन केचिधाम। ऐसा कुछ है समय यहाँ पर, सो भाई बेसिकली आप लोग एक जगह देख रहे हो ना मंदिर के नीचे से, यहाँ पे पहले लोग भी जा सकते थे बट अभी जाना भी लोगों का बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि बहुत सुंदर सी जगह देख पा रहे होगे, बट लोग यहाँ पे गंदगी कर देते थे ना कूड़ा वगैरह फैला के, तो बिल्कुल यहाँ पे जाना बंद कर दिया। यहाँ पे जाके जाने में फ़ाइन पड़ता है कुछ, मतलब चले जाओ जुर्माना देना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे मंदिर ऐसा देख सकते हो, भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई। आप लोग यहाँ पे आना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाड़ी से गाड़ी यहाँ तक पहुँचाना वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अंदर मंदिर के अंदर तो आप आ जाएंगे आराम से, यहाँ पे मंदिर के अंदर उतनी भीड़ नहीं है, बट रास्ते में जो ट्रैफिक है ना उसकी कोई बराबरी नहीं है भाई। सो जैसे कि अभी हम लोग बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि अंदर मंदिर के अंदर जाना बिल्कुल अवॉइड करना बिल्कुल भी मना, सख्त मना है। सो भाई फाइनली अभी वहाँ से बाहर आ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नीम करौली बाबा है यहाँ पे, तो नीम करौली बोलते हैं ना, बट यहाँ पे जो गेट है इस पर करौली बाबा लिखा हुआ है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो सैटरडे के दिन, तो आप लोगों को थोड़ा ट्रैफिक का देखना पड़ेगा, बाकी आप लोग आ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ से आ गए हो बाहर, तो यहाँ पर से आप लोग ट्रैफिक देखोगे तो यहाँ पर से पूरी पीछे तक का लाइन है पूरी, बहुत ज़्यादा सेंटर। तो भाई जैसे कि मैं आप लोग दिखाने की कोशिश करूँ ना, यहाँ पर इतनी सारी सारी अच्छी अच्छी जगह चीज़ें बन गई हैं, कुछ साल पहले हम कुछ भी नहीं हो सकता था, इनको ज़्यादा अच्छे से बताए तो ये बताएंगे हमें, बताइए। तो पहले गाइस हम लोग यहाँ पे ना घूमने के लिए आते थे, मतलब कस्टमर को घुमाने के लिए लेके आते थे, तो जैसे यहाँ पे पार्किंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी गाड़ी खड़ी भी नहीं मिलती थी, इक्का दुक्का यहाँ पे गाड़ी देखने मिलती है,
नहीं तो ट्रैफिक होता था ना, जितने भी रेस्टोरेंट देख रहे ना कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। चाय चाय पकौड़ी यहाँ पे खाते थे और चाय पकौड़ी खा के चले जाते थे। तो इसको मतलब आप जो जितना यहाँ पे आबादी बढ़ गई, कितना कस्टमर आ गया ना, कितने रेस्टोरेंट बन गए ना, पहले यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं होता भाई। सच में सब ये इनका नीम करौली बाबा का आशीर्वाद है इन लोगों के ऊपर। इतनी घनी आबादी यहाँ पे हो चुकी है, एक ऐसा स्पॉट बन गया ना ये कैचिता में, एक ऐसी जगह बन गई यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है वो यहाँ पे बिल्कुल आके एकदम 100% रिकमेंड करता है। ये जगह ज़रूर से रिकमेंड करते हैं, ज़रूर से जाते हैं यहाँ कैचिता। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी है लोगों की बीच। अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं है, वीडियोज भी बना रहा हूँ, 5 मिनट चुके हैं और यहाँ पे जाकर देखता हूँ कुछ खाने पीने का होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो रेस्टोरेंट में भीड़, जिनके यहाँ पे रेस्टोरेंट होंगे ना, जिनके यहाँ पे रेस्टोरेंट होंगे ना, वो लोग भी भाई यहाँ पे करोड़पति हो गए भाई। इतनी ज़्यादा भूख लग गई ना, सुबह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं था, तो अभी हम खाना खाने शताब भाई के साथ। मुझे ही भूख लग रही थी और उस भाई को देख के मुझे ही भूख लगने लगी, मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं था, मैंने कुछ नहीं खाया था भाई, हम लोग अभी खा रहे हैं। तो इसको जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ फिर आगे चल कर मिलता हूँ। भाई इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। अभी चाय पी रहे हैं, थोड़ा मज़ा आ गया भूख पे, सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती है। कैसे लगा आपको राजमा चावल का टेस्ट? बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा, हमने खाया और उस भाई ने भी खाया, उसके ऊपर से हमने एक चाय ली और चाय भी बहुत अच्छी है, चाय भी बहुत अच्छी है। अब रेट देख सकते हो भाई, यहाँ लिखे हुए हैं, लिख रहे हैं क्या आगे पढ़ सकते हो? सुबह फाइनली आप लोग आखिरी बार यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं बस निकल रहा हूँ घर के लिए। इतना भयानक ट्रैफिक भाई साहब, चलने के लिए भी सोचना पड़ता है। आगे तक जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे सारे लोग ही लोग हैं भाई, मैंने तरफ से दिखाने की कोशिश करूँ तो पूरा देख पा रहे होंगे हर तरफ। बेसिकली मैं अलग जो ब्लॉग है अभी अपलोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ें समझ सकें कि सैटरडे के दिन कैचिताम के आसपास क्या हो रहा है, मतलब ट्रैफिक का क्या सीन है, आप लोग को आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए दिसंबर के मंथ में यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आजकल के दिनों में। जैसे कि न्यू ईयर बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आके बिल्कुल प्रीफर करते हैं यहाँ पे इस जगह को विजिट करना। तो ये ब्लॉग मैं अभी अपलोड कर दूंगा, जो भी हमें कमेंट है राय है नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग की वीडियो अच्छी आज लोग आज की वीडियो अच्छी लगी हुई, थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। भाई बिच्छू लग गया हाथ में भी चढ़ते हुए, देख पा रहे हो दाने हुए, तभी हम जा रहे हैं। भाई एक घंटा हो गया था जाम खुल ही नहीं रहा था, तभी हमें ऐसे लॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है, क्या करें, बहुत दिक्कत हो गई भाई। सब निकालने की सोच रहे हैं गाड़ियाँ, बहुत देर से खड़ी हैं सारी गाड़ियाँ, क्या करें। देखो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई कैचिताम मंदिर के आगे से, तो वापस घर नहीं पहुँच पा रहे हैं अभी तक, रात हो गई 6 बजने वाले हैं। रुकना नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए गाड़ी, अब देखते हैं पता नहीं कब पहुँचते हैं घर। तो भाई अब जाके दिक्कत हो गई दोनों साइड से गाड़ियाँ, मज़ा बहुत आ रहा है।